जय श्री कृष्णा। हैप्पी दीपावली, और दीपावली की बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। आपके घर में लक्ष्मी का वास हो। इसलिए मैं छोटी सी एक रेमेडी भी देना चाहूँगी कि हमें क्या करना है। पीली 11 कोड़ी लेनी है, उसके अंदर हल्दी और केसर डाल के भिगो के रखना है। फिर लाल कपड़े में, लाल कपड़ा लेके फिर उसमें आपको पैक करके रख देना है तिजोरी के अंदर, तो उससे काफ़ी फायदा होगा। और आपके यहाँ जो लक्ष्मी नहीं टिकती है वो टिकना चालू हो जाएगा। कभी कभी हम बोलते हैं लक्ष्मी आती है लेकिन टिकती नहीं है, तो इसके लिए ऐसा करना उपाय करने से, तो बहुत ही लक्ष्मी पूजन के दिन करना है और फिर तिजोरी में वो रख देना है लाल पोटली बना के, तो उससे काफ़ी फायदा होगा। जय श्री कृष्ण। और इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन वुमेन्स प्रेसिडेंट, मैं हूँ डॉक्टर हिना ओझा मुंबई से, कॉस्मिक एनर्जी सेंटर और अल्फाज एंड कात्यायनी चेयरमैन ऑफ द महाराष्ट्र और एसोसिएशन ऑफ द साइन बिजनेस क्लब। तो आइए हम पहले मैं से मेन राशि का रमल शास्त्र और कौड़ी के ऊपर से प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं मेष राशि, तो ये वीक के लिए मेष राशि क्या कहती है। दसवा भाव दिखा रहा है मेष राशियों के लिए, तो कहीं पे दसवें भाव से कनेक्टेड हो, कहीं आप नया बिजनेस करना चाहते हो या तो नए बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, तो वुमन्स के नाम पे बिजनेस कीजिए। जैसे आपकी वाइफ है, डॉटर है, या तो मदर है, या तो सिस्टर है, किसी के नाम पे वुमन के नाम के बिजनेस होना चाहिए। उसके नाम के ही बिजनेस के क्लोथ की दुकान भी ओपन कर सकते हो, उससे भी बेनिफिट होगा। हो सके तो मदर का ख्याल रखना है, ये भी थोड़ा हेल्थ के ऊपर इश्यू हो सकता है। लकी नंबर रहेगा आपका एक नंबर, और लकी कलर रहेगा ऑरेंज और रेड कलर। लकी नंबर रहेगा आपका एक नंबर। हो सके तो आपको घर की जो ईस्ट दिशा है वहाँ पे सूर्य नारायण को अर्घ चढ़ाना है गायत्री मंत्र के जाप के साथ, तो वो बहुत ही बेनिफिट करता है। और 11 नाम लेना है सूर्यदेव के। और अभी आ रही है वृषभ राशि, तो वृषभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। नौवा भाव आ रहा है वृषभ राशि के लिए, वृषभ राशि के कहीं भाग्य खुल रहे, कहीं पे भाग्य की चाबी खुल रही, तो बहुत ही अच्छा वीक है। कहीं पे फॉरेन के योग बन रहे, कहीं पे यात्रा हो रही धर्म की, कहीं घूमने फिरने का प्लानिंग हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा वीक है। कहीं पे आप दत्तक संतान लेने के बारे में सोच रहे, दत्तक संतान भी ले सकते हो, उससे भी बेनिफिट होगा। लकी नंबर रहेगा आपका 9 नंबर, और लकी कलर रहेगा आपका रेड और ऑरेंज कलर। और आपकी घर की जो साउथ दिशा है वहाँ पे आपको सरसों का तिल का दिया करना है, और हो सके तो 2 मसाला पान धराना है वहाँ पे, वही प्रसाद के तौर पर लेना है। रेड कलर की मिठाई भी धरा सकते हो, और हो सके तो पितृदेव को प्रार्थना करनी है, और आपको ब्लेसिंग उससे ही मिल रहे हैं, और पितृदेव आपके साथ हेल्प कर रहे हैं। तो हो सके तो पीपल के वृक्ष में जाके वहाँ पे पानी का अर्घ चढ़ाएं, 3 प्रदक्षिणा करनी है, ओम गायत्री मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तो उससे काफ़ी फायदा होगा। जो भी काम रुके है वो आपका चालू हो जाएगा। अभी आ रही है मिथुन राशि, तो मिथुन राशि ये भी के लिए क्या कहती है। ग्यारहवा भाव आ रहा है मिथुन राशियों के लिए, तो मिथुन राशियों को भी लक्ष्मी प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कहीं से कुछ ना कुछ पैसे आ रहे हैं, बड़े भाई बहनों द्वारा या मित्र द्वारा, दामाद या तो बहू द्वारा, तो ये तो वैसे भी दीपावली है तो सबको वैसे भी धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है। कहीं शेयर मार्केट में भी बेनिफिट हो सकता है, तो ये स्पोर्ट्स इवेंट्स में भी हो सकता है, तो ये भी बहुत ही अच्छा है। लकी नंबर रहेगा आपका एक नंबर, 2 नंबर। कहीं पर रुकावट आई तो थोड़ा एक छोटी सी रेमेडी दे रही हूँ, सूर्य देव को अर्घ चढ़ाना है, और हो सके तो गायत्री मंत्र जाप के साथ 11 बार सूर्य देव के नाम लेने हैं, और रात को चंद्रमा के दर्शन करने हैं। और वो ना हो सके बाहर काम है तो आपको क्या करना है, आपकी कुल देवी के मंत्र दर्शन करने, उसके नाम का दीपक जलाना है, तो जो भी मनोकामना है वो लेनी है, तो उससे कार्य संपूर्ण हो जाएगा। लकी कलर रहेगा आपका व्हाइट कलर, रेड और येल्लो कलर। अभी आ रही है कुंभ कर्क राशि, तो कर्क राशि ये भी के लिए क्या कहती है। नौवा भाव आ रहा है कर्क राशियों के लिए, तो ये भी कर्क राशियों के लिए के बहुत ही अच्छा रहेगा। भाग्य खुल रहा है, भाग्य कुछ नई दिशा दिखा रहा है, भाग्य की चाबी खुल रही है। आपको क्या करना है, आपको एक नया ताला चाबी खरीदना है, जो भी भगवान को मानते हो वहां पे जाके आपको ताला चाबी रख के आना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जब चाबी खुलेगी, ताला खुलेगा, आपके भाग्योदय खुल जाएंगे। और कहीं पे फॉरेन के योग बन रहे, कहीं पे यात्रा हो रही है, तो कहीं पे दत्तक संतान लेने के बारे में सोचे, दत्तक संतान भी ले सकते हो, ये भी अच्छा है। कुछ ना कुछ नया दिखा रहा है आपको, छोटी ट्रैवलिंग भी हो सकती है,
छोटे भाई बहनों के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा, तो कुछ ना कुछ नया होता है। और लकी नंबर रहेगा आपका 9 नंबर, लकी कलर रहेगा आपका रेड कलर। और हो सके तो आपको क्या करना है कि साउथ दिशा में आपको वहाँ पे सरसों का तेल का दिया जलाना है, और हो सके तो वहाँ पे अनार फ्रूट धराना है, और वो बहुत ही बेनिफिट करेगा वहाँ, ताकि आपके प्रॉब्लम जो हो रही वो नहीं होएगी। और हो सके तो शाम के टाइम पे मिट्टी का दिया लेके फिर एक कपूर एक लौंग जलाना है, तो उससे भी काफ़ी फायदा होगा। जहाँ पे जो नेगेटिव दिखा रहे हैं तो नेगेटिव चली जाएगी। अभी आ रही है सिंह राशि, तो सिंह राशि ये भी के लिए क्या कहती है। बस भाव दिखा रहा है सिंह राशियों के लिए, तो सिंह राशियों के लिए भी ये भी अच्छा है। कहीं नया बिजनेस करने के बारे में सोचो, नया इन्वेस्ट करना चाहते हो, नई दुकान लेना चाहते हो, नया कुछ ना कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। और आपके भाग्य देव भी खुल रहे हैं, कहीं ना कुछ हो सके तो लेडीज़ के नाम के बिजनेस कर सकते हो, लेडीज़ का उसके क्लॉथ्स के बारे में भी नई दुकान ले सकते हो। दुकान लो तो साउथ ईस्ट की दुकान लेने से बहुत ही बेनिफिट होता है, वहाँ पे परफ्यूम्स वो सब ब्यूटीज प्रोडक्ट भी रख सकते हो, या तो मदर के नाम पे बिजनेस कर सकते हो। मदर की हेल्थ का थोड़ा इश्यू हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। लकी नंबर रहेगा आपका 1 नंबर। हो सके तो आपकी घर की जो ईस्ट दिशा है वहाँ पे आपको प्लास्टिक की कटोरी लेके, वहाँ पे कांच की या तो प्लास्टिक की कटोरी लेके वहाँ पे गेहूँ रखने हैं, और संडे रखना है, नेक्स्ट संडे आता है तभी आपको कबूतर को डाल देना है, तो जहाँ की वहाँ की जो भी नेगेटिविटी है वो सारी चली जाएगी। हो सके तो रात के टाइम पे वहाँ पे एक कपूर और एक लौंग जलाएं मिट्टी के दिया में, तो भी काफ़ी फायदा होगा। अभी आ रही है कन्या राशि, तो कन्या राशि ये भी के लिए क्या कहती है। सातवां भाव दिखा रहा है कन्या राशियों के लिए, तो सातवें भाव से कनेक्टेड हो रहा है, तो कहीं युवक युवती के शादी के योग बनने, कहीं पे कुछ ना कुछ नया होने जा रहा है। कहीं आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस भी पार्टनरशिप में कर सकते हो, ये अच्छा है। और हो सके तो पॉलिटिक्स मीडिया में भी जा सकते हो, कुछ नया दिखा रहा है। तो लकी नंबर रहेगा आपका 7 नंबर। हो सके तो आपको क्या ना, जो भगवान को मानते हो वहाँ पे जाके आपको ध्वजा चढ़ानी है, और जब आपका काम सक्सेसफुल हो जाए बाद में ध्वजा चढ़ानी है, तो उसे काफ़ी फायदा होगा। आपकी घर की जो नॉर्थ ईस्ट दिशा है वहाँ पे पीली हल्दी की गांठी रखनी, 11 गांठी रखनी है, और एक गांठी आपके साथ रखिए, और उसे काफ़ी फायदा होगा। जो भी प्रॉब्लम आने वाली वो प्रॉब्लम सारी चली जाएगी। विवाह में यदि प्रॉब्लम आ रहा है तो भी अपने साथ पीली गांठी रखे, उससे फायदा हो जाएगा, और जहाँ पे भी रुकावट आ रही है वो रुकावट चली जाएगी। लकी नंबर रहेगा आपका 7 नंबर। लकी कलर रहेगा मिक्स एंड मैच कलर। अभी आ रही है तुला राशि, तो तुला राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। अगेन सातवां भाव आया, तो सातवें भाव से कनेक्टेड हो गए। ये बार युवक युवती के शादी के योग भी बन रहे, बहुत सारे युवक युवती है कि अच्छे जोड़े भी बनने वाले, तो कहीं ना कुछ अच्छा होने जा रहा है। कहीं पे बिजनेस में आप पार्टनरशिप करना चाहते हो तो पार्टनरशिप भी हो सकती है, उसमें भी बेनिफिट होगा। उसमें एक औरत होना जरूरी है, तो उसे काफ़ी फायदा हो जाएगा। कभी मीडिया में कभी पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो तो ये भी वीक आपके लिए अच्छा है, बेनिफिट दिखा रहा है। कहीं पे कुछ रुकावट आ रही है तो आपको क्या करना है, हो सके तो आपकी घर की जो नॉर्थ ईस्ट दिशा है वो शुद्ध रखनी है, और हो सके तो वहाँ पे आपको एक कपूर और एक लौंग जलाना है, और हो सके तो माता जी जो रहती है वहाँ पे पीली मिठाई धरानी है भोग में, तो उससे काफ़ी फायदा होगा। जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व हो जाएगी। और घर की जो मेन दहलीज रहती है वहाँ पे आपको मिट्टी के दिए में एक कपूर और एक लौंग डाल के फिर आपको उसको दिया जलाना है शाम के टाइम पे, तो उससे काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। अभी आ रही है वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि ये भी के लिए क्या कहती है। छठा भाव दिखा रहा है वृश्चिक राशियों के लिए, तो कहीं पे छठा भाव है तो रोग शत्रु, और कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये वीक के लिए थोड़ा संभालना है। कहीं पे रोग हावी ना हो जाए, शत्रु ना बढ़ जाए, तो थोड़ा ध्यान रखना है। क्या करना है कि आपको आपके आजू बाजू जो भी हॉस्पिटल रहती है या तो कोर्ट कचहरी के होते हैं, तो वहाँ पे जाके एक्वागार्ड का पानी रहता है वो अपनी बोतल में भर के आना, फिर अपने पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। जो भी खर्चा आने वाले हॉस्पिटल के खर्चे वो कम हो जाएंगे, उससे काफ़ी फायदा होगा। और हो सके तो आपको इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन्वेस्ट भी सोच समझ कर करें, रिलेटिव के अंदर नहीं करना है, और जो रिलेटिव्स के अंदर भी करना चाहते हो तो आपको बिना एग्रीमेंट के कोई भी काम नहीं करना है। और हो सके तो आप सिग्नेचर भी करें तो वो सोच समझ कर पढ़ कर करना है, तो उससे काफ़ी फायदा होगा।
लकी नंबर रहेगा आपका 6 नंबर। आपके घर की जो साउथ ईस्ट दिशा है वहां पे आपको क्या करना है, गाय का घी का दिया जलाना है, उसे काफी फायदा होगा। और हो सके तो वहां पे एक कटोरी में चावल रखना है फ्राइडे को, और फ्राइडे को चेंज करके फिर पशु पक्षियों को डाल देना है। और हो सके तो रात के टाइम में एक कपूर एक लौंग जलाइए, तो जो भी साउथ ईस्ट की दिशा की प्रॉब्लम है वो चली जाएगी और शुक्र पावरफुल हो जाएगा। लकी नंबर रहेगा आपका 6 नंबर, लकी कलर रहेगा व्हाइट कलर। अभी आ रही है धनुराशि, तो धनुराशि ये भी के लिए क्या कहती है, आठवां भाव से कनेक्टेड हो रहा है धनु राशियों के लिए। कहीं पे धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, मकान मिलकर जायदाद मिल रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं कमर में पैर में मोच आ रही है, तो पैर दर्द हो रहे हैं, घुटनों के दर्द बढ़ रहे हैं, जान में प्रॉब्लम हो रही, तो आपको सरसों के तेल की मालिश करनी है। और हो सके तो घर की जो वेस्ट दिशा है वहाँ पे आपको सरसों का तेल का दिया जलाना है 2 लौंग डाल के, और वहाँ पे बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, या तो यूट्यूब चैनल में आप सुंदरकांड का पाठ भी ट्यूजडे या सैटरडे चालू कर सकते हो, रहा तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी, तो उससे काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी, जो भी दिक्कत आ रही है वो चली जाएगी। और हो सके तो आपको कोई दुखद समाचार भी हो सकता है, आठवां भाव से कनेक्टेड मृत्यु का भाव भी है, तो थोड़ा ये भी के लिए संभालना है, थोड़ा ध्यान रखना है। लकी नंबर रहेगा आपका 8 नंबर, लकी कलर रहेगा आपका ब्लू कलर, पर्पल और डार्क ब्लैक कलर। अभी आ रही है मकर राशि, तो मकर राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, दसवें भाव से कनेक्टेड हो रहा है मकर राशियों के लिए, तो मकर राशियों के लिए खास ध्यान रखना है ये वीक के लिए। कुछ नया बिजनेस करना चाहते हो तो आपको बिजनेस बहुत ही अच्छा है, लेडीज़ के नाम के बिजनेस बहुत ही फले फूलता है, क्लोथ का है, ब्यूटी ज्वेलरीज है, ब्यूटिशियन का है, तो ये सारे नए प्रोडक्ट भी आप कर सकते हो, उसकी दुकान भी ओपन कर सकते हो, और दुकान ले तो साउथ ईस्ट दुकान ले तो उससे काफ़ी फायदा होगा आपको। और ये मदर नाम सिस्टर के नाम के खुद लेडीज है तो खुद के नाम में भी बिजनेस कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, उससे भी बेनिफिट होता है। और आपके घर की जो हो सकता है तो ईस्ट दिशा को खास ध्यान रखना है, और हो सके तो सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाना है, उससे काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। और वहाँ पे हो सके तो एक कपूर और एक लौंग का दिया जलाना है मिट्टी का, और रात के टाइम पे सोने के टाइम पे 2 अगरबत्ती जलानी है ताकि काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। अभी आ रही है कुंभ राशि, तो कुंभ राशि ये भी के लिए क्या कहती है, सातवां भाव आ रहा है, तो कहीं युवक युवतियों के शादी के योग बन रहे हैं, कहीं पे शादी हो रही है, या तो कहीं पे बिजनेस के बारे में सोच रहे तो पार्टनरशिप भी कर सकते हो, पार्टनरशिप भी अच्छा रहेगा आपके लिए। कहीं मीडिया में आने चाहते हो, पॉलिटिक्स में आना चाहते हो तो पॉलिटिक्स में भी जा सकते हो, मीडिया में भी आ सकते हो, तो ये भी बहुत ही अच्छा है। आगे बढ़े कहीं पे नई नई पहचान भी होगी, उससे भी बेनिफिट हो सकता है। लकी नंबर रहेगा आपका 7 नंबर, हो सके तो आपको क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट दिशा खास ध्यान रखना है। थर्सडे के दिन आपको वहाँ पे मिठाई धरानी है, पीला कलर की भोग धराने, और हो सके तो आपको क्या करना है कि वहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट दिशा है वहाँ पे आपको पीली मिठाई धरा के फिर आपको घर में ही प्रसाद लेना है, बाहर नहीं जाने देना है। और हो सके तो 5 गरीबों को थर्सडे के दिन तली हुई चीज़ जैसे बटेटा वड़ा या समोसा ऐसे खिलाने से 5 जन को, तो काफ़ी फायदा होगा, जो भी प्रॉब्लम आ रही वो सॉल्व हो जाएगी। और लकी नंबर रहेगा आपका 7 नंबर, और कलर रहेगा मिक्स एंड मैच कलर। तो अभी आ रही है मीन राशि, तो मीन राशि ये भी इसके लिए क्या कहती है, छठा भाव आ रहा है मीन राशियों के लिए, तो हेल्थ के बारे में ध्यान रखना है। एक थोड़ा आपको दिक्कत हो रही है कि क्या करूं कैसे करूं पता नहीं चल रहा है, आप चिंतित बहुत हो जाते हो, तो चिंता छोड़ देनी चाहिए और आपको एकदम प्रेम से रहना चाहिए, जो भी तकलीफ आने वाली है वो सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपकी घर की जो साउथ वेस्ट दिशा है तो आपको खर्चे से बचना है, हॉस्पिटल के खर्चे या तो कोर्ट कचहरी के मामले से, तो आपको हो सके तो साउथ वेस्ट दिशा में 2 अगरबत्ती जलानी है और घर में पूरे नमक के पोछे लगाने, तो खुद की बॉडी को ओरा और चक्र क्लीन करने के लिए आपको नमक के पानी से बाथ लेना है, सॉल्ट वाटर से, तो उससे काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। और हो सके तो नज़र भी उतार सकते हो, उससे भी परेशानी दूर हो जाती है। लकी नंबर रहेगा आपका 6 नंबर, लकी कलर रहेगा व्हाइट कलर, और आपको हो सके तो आपकी जो कुल देवी है उनकी कुछ भी मन्नत ले लीजिए, जहाँ भी आपका काम रुका हो वो काम आपका सक्सेसफुल हो जाए।
और ये वीक के लिए मेरी तरफ से, मैं हूँ डॉक्टर हिनाउजा, ये वीक की तरफ से, मेरी तरफ से सबको आपको बहुत बहुत ही दीपावली की शुभकामनाएं। और मेरा मोबाइल नंबर है 9820692303। थैंक यू वेरी मच।